किया था 2007 में, जमा दुआ किया था, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भजानी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग भेष भाषा चाहे अनेक हैं, लेकिन सबका सब एक है, सबका सब यही भावना से हम लोग हैं यहाँ। जी, इसी भावना से। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नुक पोस्ट और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त मैं दिल्ली के जामा मस्जिद के पास हूँ और ये लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर है और ये जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 है और हम इसके अंदर जाएंगे और पूरी झलक दिखाएंगे। आइए, हम आ गए हैं जामा मस्जिद के परिसर में और ये वहाँ की सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर लोग आपको बैठे दिख सकते हैं, देखिए कितना सुकून भरा माहौल है यहाँ पर, लोग कितना शांति भरा माहौल है यहाँ आके लोग अपना आराम फरमाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये वहाँ की सीढ़ियाँ हैं और हम इसके अंदर जाएंगे और आपको पूरा नज़ारा अंदर का दिखाएंगे और ये बाहर के सीढ़ी का नज़ारा है, गेट नंबर 1। तो हम सीढ़ी से जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए सीढ़ी है, कितनी खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी पर लोग बैठे हुए दिख रहे हैं और ये चारों तरफ ये सीढ़ियाँ हैं, लोग चारों तरफ आपको बैठे हुए दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये सीढ़ी का जो सबसे ऊपरी गुंबद है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से आप नज़ारा देखिए नीचे का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, लाजवाब नज़ारा है। जब आप मस्जिद के अंदर घुसते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा, यहाँ जूते और चप्पल यहाँ पर आपको जमा करना होता है, जूते चप्पल लेके आप अंदर नहीं जा सकते हैं, जैसा मंदिरों में होता है वैसा मस्जिद में। तो ये गेट पर जो सबसे पहला खूबसूरत नज़ारा दिखा हमें ये है, आप देख सकते हैं ये चचा, ये आयते हैं, ये कुरान के आयते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कुरान के आयते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जामा मस्जिद के गेट के ठीक पास। और ये टोपियाँ हैं और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ के प्रांगण का जो नज़ारा है, आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर सबसे बेहतर बात यह है कि हर धर्म के लोग यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और देश के बाहर के भी लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर वाकई आपको सुकून मिलता है, वाकई आपको सांप्रदायिक सद्भावना की जो एक खूबसूरत झलक है वो दिखाई देती है। आप देखिए ना, आप नज़ारों में कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। और हमें शायद ये पानी का कुछ दिख रहा है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पानी में पैर दे के आनंद ले रहे हैं और ये ठीक जामा मस्जिद के बीच में है, आप देख सकते हैं। ये है वो खूबसूरत नज़ारा और आप छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं, बड़े भी हैं, आप देखिए ये छोटे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पानी का आनंद ले रहे हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम, ये किस लिए है, ये वजू करने के लिए है। अच्छा, वजू के लिए? हाँ, वजू के लिए है, नमाज। हाँ, नमाज से पहले मुसलमान अपने को तैयार करने के कर लेते हैं, पाक करने के लिए नमाज पढ़ कर। हाँ, ये वजू। हाँ, ये मुँह हाथ धोने के लिए। हाँ हाँ, ये पानी चेंज होते हैं? हाँ बिल्कुल, हर वक्त चेंज होता रहता है, उसमें पाइप लगा चेंज होता है, बिल्कुल पवित्र पानी है। हाँ हाँ, तो हमारे एक सब्सक्राइबर यहाँ पर मिल चुके हैं और ये इत्तेफाक है कि ये मिले हैं, तो कैसा लगता है हमारा चैनल आपको? जी, आपका चैनल बहुत बढ़िया है, आप अच्छी अच्छी काफ़ी वीडियो लाते हैं और दर्शकों से क्या कहना? दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी इनका सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नहीं चाचा, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम हुआ हाजी सैयद अतीकुल हुसैन,
जी, तो हम अंकल के साथ थोड़ा सा घूमना चाहेंगे जामा मस्जिद। हाँ हाँ, तो अंकल ये बताइए ये हाँ? ये वाला जो पोर्शन है इसका क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो सामने में है जी, जी, इसे गुंबद कहते हैं। ये पहचान है कि यहाँ जो है यहाँ इबादत करते हैं। इबादत का मकसद क्या है? हाँ। मस्जिद बनती क्यों है? जी। कि तुम जो है बुराई से बचने वाले हो जाए। कुछ लोग इबादत कर भी रहे हैं, अंदर भी इबादत करते हैं, बाहर भी इबादत करते हैं, सारे जहाँ से अच्छे हैं। जी, तो वहाँ पर इबादत हो रहा है और हम उसके अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो हो सकता है कि डिस्टर्ब हो जाए, तो हम बाहर से नहीं अभी जा सकते हैं। जा सकते हैं, चलिए मेरे साथ। अरे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो मैप लगा हुआ है जी, वहाँ इमाम साहब वहाँ बैठे नमाज पढ़ाते हैं। अच्छा। और वहाँ पर उनका जानमायत भी है, इसके पीछे हम लोग बैठे हैं, फिर उनके पीछे भी जी। आप देख सकते हैं कि भाई जान वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ। और हम इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हो सकता है कि डिस्टर्ब हो जाए। आप आइए, अरे सारे जहाँ से आइए ना, आइए आप आइए, जैसे देखना देखिए जी। हाँ, ये देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, बहुत ही शांति है। इबादत करो क्योंकि मैंने क्यों बनाया है, ताकि तुम बुराई से बचने वाले हो जाओ। भक्ति का माने क्या है कि तुम मुझे याद करो ताकि तुम बुराई से बचो। जो है ये क्या? हाँ, यहाँ जो है ये जब नमाज होती है जी, इमाम साहब बाहर रहते हैं। हाँ। वहाँ कहते हैं इमाम साहब, नमाज कहते हैं अल्लाह अकबर। हाँ। तो यहाँ पर मौजिन होते हैं ना। अच्छा। वो यहाँ पर कहते हैं अल्लाह अकबर। अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद चारों तरफ गूंज जाती है जी। ये इसको मौजिन खाना, इसको मौजिन खाना कहते हैं इसको जी। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु मना। हाँ हाँ, दीवार की तरह है चारों तरफ, इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है? ये तो मेन गेट आने का जी, ये सब है, गुंबद है, ये पहचान है, ये कि ये मस्जिद है, मस्जिद का पहचान है। जैसे गिरजाघर का मंदिर का पहचान होता है, वैसे ये पहचान है, उसको मीनार कहते हैं उसको। बोला ये जो है इसको मीनार। यहाँ यहाँ देखिए देखिए, कुरान शरीफ का श्लोक सब लिखा हुआ उसमें जी, उसमें जो है कुरान शरीफ का श्लोक सब, कुरान शरीफ का श्लोक सब लिखा हुआ है जी। ये अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ना जी, बताया यस नासी स्वर्प अज्ञान शास्त्रम किम करोति लोचनाभ्या विहीन दर प्रणाम किम करोति। जिसे नहीं अच्छी बुरे का तमीज, उसका पढ़ा लिखा होना क्या करेगा। ये अल्लाह ताला कहते हैं वला सिनन सला फी खोसे लजमा साले आते। फिर ये कहते हैं कि तलबुल फैजतुल्ला कुल मुस्लिमुल मुस्लिम, इनका सीखना हर एक मुसलमान पर फर्ज है। तो इस ताकि तुम जो है बुराई से बचो जी। और भला से इंदन चला फिर खुद मिसाले हाथ बतवास बिल्ला को दवा सिर्फ सब, और तुम दूसरों को भी बुराई से बचाओ। मेन दरवाजा है। अच्छा, मेन दरवाजा जी, मेन दरवाजा। ये रोज खुलता है? ये रोज खुलता है, ये खुला हुआ रहता है बिल्कुल। अच्छा, रात के 10 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, रात के 10 बजे बंद हो जाता है। अच्छा। हाँ, वो वाला उधर वो भी रात बंद हो जाता है। अच्छा, रात के 10 बजे जैसे चाहते हैं उधर से चले जाते हैं। गेट क्या हुआ है? 1, 2, 3 गेट है। तीन गेट है। हाँ, तीन एक गेट। एक आप देख सकते हैं उधर। हाँ। एक ये है और एक ये है, यानी कि तीन दरवाजे हैं। यहाँ मीनार है, उस पर जाते हैं ये मीनार। हाँ, वो मीनार जो है उस पर चढ़ करके लोग पूरे दिल्ली को देखते हैं। अगर जुबान अच्छा, वहाँ पे चढ़ सकते हैं लोग? हाँ, कुछ पैसा देना पड़ता। अच्छा, है टिकट होता है? हाँ, टिकट होता है, चढ़ जाएंगे। अच्छा। तो दिल्ली को देख लेंगे वहाँ से, पूरी दिल्ली देख लेंगे। अच्छा, हिंदुस्तान हमारा के बादशाह जो है क्या बनवाया कि देखे कि हमारा जो है प्रजा जो है हमारे लोग जो है किस ढंग से रह रहे हैं जी। हाँ, अभी भी यहाँ पर आप प्रांगण में देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इसके बावजूद भी शांति जो है यहाँ की वाकई दिल को छूने वाली है, बहुत गजब की शांति है। और जी, इस्लाम को मानने है शांति का नियम। इस्लाम को मानने हैं शांति का नियम, और इस मुसलमान के माने शांति पर चलने वाले। तो आज का जो मौसम है ना, वो काफ़ी खुशमिजाज है। आप आसमान की तरफ देख सकते हैं कितना खुशमिजाज मौसम है। कुछ देर पहले जो है यहाँ पर बारिश हुई है, और बारिश होने के बाद जो दिल्ली का मौसम होता है ना, वाकई दिल को छूने वाला होता है। और मैं आपको जामा मस्जिद के बारे में बता रहा हूँ, उसके अंदर मैं प्रांगण में हूँ, और यहाँ पर एक खूबसूरत नज़ारा ये है। ये कबूतरों के लिए दाने डाले गए हैं, यहाँ पर कबूतर आके पूरा अपना भोज जमाते हैं, और ये उनको पीने के लिए ये पानी है। ये देखिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसलिए गुलिस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, जय हिंद, सबों को, सभी भाई दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद। सारे जहाँ बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। हाँ, खुश रहिए, आबाद रहिए,
चाचा ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी और बहुत ही गजब के इंसान हैं वो। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।